नमस्कार साथियों, मैं अक्षय सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं पहली शिक्षा अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम क्लास 10 की जो पहली बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो लेसन है आपका ए लेटर टू गॉड, उसके नाम से ही पता चलता है भगवान को एक पत्र, यानी एक लेंचो नाम का जो किसान होता है वो भगवान को पत्र लिखता है। अब वो भगवान को पत्र क्यों लिखता है, उसका क्या रिप्लाई आता है, उसको पढ़ने के लिए, उसको जानने के लिए हमें पूरा लेसन रीड करना पड़ेगा। जैसे कि लेसन है जो आपका जीएल फ्यूंटस ने लिखा है। इसको स्टार्ट करने से पहले देखिए, बिफोर यू रीड एक कॉलम दिया है आपको, उसको पढ़ना है। देखिए, बिफोर यू रीड, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन। वे कहते हैं, फेथ यानी विश्वास, वे कहते हैं विश्वास कैन मूव माउंटेन्स, विश्वास जो है वो पर्वतों को भी हिला सकता है। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें अपना विश्वास किस में रखना चाहिए। यानी ये बात तो बिल्कुल सही है कि विश्वास जो है वो किसी भी काम को संभव बना सकता है। कोई भी इम्पॉसिबल काम है उसे हम पॉसिबल बना सकते हैं, किससे, विश्वास रखकर। लेकिन हमें अपना विश्वास रखना किस में चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दिस इज़ द क्वेश्चन, यही प्रश्न है दिस स्टोरी, इस कहानी का, डेलिकेटली पजेज, जो कि नाजुकता से आपके सामने दर्शाता है, नाजुकता से दर्शाना। डेलिकेटली का मतलब नाजुकता और पजेस का मतलब दर्शाना। यानी ये जो कहानी है वो आपके सामने बिल्कुल नाजुकता से ये प्रश्न रखती है कि हमें विश्वास अपना किस में रखना चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें हम विश्वास रखें और अपने इम्पॉसिबल काम को हम पॉसिबल बनाएं। तो देखिए, लेंचो इज ए फार्मर, जो कहानी का मेन हीरो है, मेन कैरेक्टर है, वो है लेंचो, एक किसान है। वो राइट ए लेटर टू गॉड, जो किसको पत्र लिखता है, भगवान को। उसने भगवान को पत्र लिखा, व्हेन हिज क्रॉप्स, जब उसकी फसल, क्रॉप्स का मतलब हो गया फसल, जब उसकी फसल क्या हो गई, आज यून खराब हो गई, बर्बाद हो गई। जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो भगवान को क्या लिखता है, एक पत्र लिखता है। अब देखिए, पत्र के अंदर क्या लिखता है, किस चीज़ की डिमांड करता है, वो पूरा इस लेसन के अंदर दिया है। आस्किंग फॉर है, पूछता है या मांगता है, क्या मांगता है, ए 100 पेजोस, 100 पेजोस यानी 100 पैसे मांगता है। वहाँ की जो करेंसी है उसके अंदर पेजोस एक करेंसी है, पेजोस, तो 100 पेजोस मांगता है। अब देखिए, कुछ प्रश्न जो है वो इससे अपने सामने आते हैं कि डज लेंचोस लेटर रीच टू गॉड, क्या लेंचो का पत्र जो है वो भगवान तक पहुँचता है क्या। एंड डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं क्या। थिंक वॉट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन, इन प्रश्नों का आंसर अपने अनुसार क्या हो सकता है, ये आप सोचिए। वुड बी एंड गेस, और अनुमान लगाइए हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, कि ये जो कहानी है वो किस प्रकार से आगे बढ़ेगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, जिससे शुरू करने से पहले, यानी जब हम इसको पढ़ना चालू कर रहे हैं उससे पहले ये जानना जरूरी है, अपने हिसाब से सोचना जरूरी है कि कहानी आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, हम किस प्रकार से उसको और ज़्यादा रुचिकर बना सकते हैं, या इन प्रश्नों का जवाब हम अपने मन से कैसे दे सकते हैं, ये हमें जानना जरूरी है। और इसको जानने के लिए अब हम लेसन की शुरुआत करते हैं। देखिए जो लेसन है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। द हाउस, एक घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, केवल एक घर पूरी संपूर्ण वैली, वैली का मतलब होता है घाटी, यानी संपूर्ण जो घाटी है, एंटायर यानी संपूर्ण, जो संपूर्ण घाटी है उस पूरी घाटी के अंदर एक घर था, सेट यानी बसा हुआ था। कहाँ पर बसा हुआ था, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक छोटी घाटी, जो हिल होती है, पहाड़ी होती है, उसकी जो तलहटी होती है, वहाँ पर क्रेस्ट, घाटी के बीच में या चोटी के बीच में, क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी, इस चोटी के ऊपर उसका घर बसा हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट, और उस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स, और उस ऊंचाई से वन कुड सी, कोई व्यक्ति देख सकता है, क्या देख सकता है, रिवर देख सकता है, नदी देख सकता है, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए मक्के के खेत देख सकता है, और मक्के के खेत भी कैसे, डॉटेड विथ द फ्लावर्स, फूलों के साथ डॉट डॉट हुए हुए, यानी फूल इतने अच्छे खिले हुए थे कि वो पके हुए जो मक्के के फूल, जो मक्के के फसल थी, वो अच्छी तरीके से दिखाई दे रही थी। डेट ऑलवेज प्रोमिस्ड, जो कि हमेशा वादा करती है, क्या करती है, प्रोमिस करती है, ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का, यानी हार्वेस्ट का मतलब हो गया फसल। यानी आप लेंचो के घर से क्या क्या देख सकते हैं, नदी देख सकते हैं, पके हुए मक्के के खेत देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल किसे हैं, पके हुए फूल, जो फूल हैं डोटेड उनके साथ में, और वो हमेशा वादा करते हैं किस चीज़ का, एक अच्छी फसल का। और द ओनली वन थिंग्स, केवल एक चीज़,
द अर्थ नीडेड, जिसको पृथ्वी की, पृथ्वी को जिसकी ज़रूरत थी, वॉज एट डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार वर्षा, यानी एक मूसलाधार वर्षा की ज़रूरत थी किसको, पृथ्वी को, और या एट लीस्ट ए शावर, एक शावर की, शावर होती है बूंदाबांदी। या तो पृथ्वी को दो चीज़ों की ज़रूरत है, या तो मूसलाधार वर्षा हो जाए या फिर शावर हो जाए, बूंदाबांदी हो जाए थोड़ी बहुत, बूंदाबांदी इसकी ज़रूरत थी किसको, पृथ्वी को। बाकी जो पके हुए जो खेत थे वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे उसके घर से। थ्रू आउट पूरे दिन, द मॉर्निंग लेंचो, यानी पूरे दिन, जो पूरी सुबह थी उससे लेकर शाम तक, लेंचो एक ही चीज़ का वेट करता है। वो न्यू हिज फील्ड, जो जानता था उसके खेत, इनिशमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। लेंचो जो था ना, वो न्यू हिज फील्ड, जो अपने खेतों को जानता था, इनिशमेटली हैड डन नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर रहा था सिवाय किसके, बट सिवाय सीधा स्काई, आसमान को देखने के, टूवर्ड, और आसमान को भी किस दिशा में देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में, क्योंकि उत्तर पूर्वी दिशा से ही क्या होती है, बारिश होती है, यानी उसको उम्मीद है कि एक अच्छी बरसात हो जाए, एक डाउनपोर हो जाए या फिर एक शावर जो है वो हो जाए, ताकि उसका जो फसल है वो अच्छी तरीके से पक जाए, उसका वो वेट कर रहा होता है। और नाउ, और अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब वो अपनी पत्नी से क्या बोल रहा है कि नाउ, अब वी आर रियली गोइंग टू गेट, कि हम प्राप्त करने जा रहे हैं सम वाटर, कुछ पानी। वुमेन यानी औरत कहकर संबोधित करता है, औरत के नाम से उसको पुकारता है कि औरत, अब हम कुछ पानी जो है वो प्राप्त करने जा रहे हैं, यानी हमें कुछ पानी मिलने वाला है, कुछ बारिश होने वाली है। द वुमेन, और जो महिला थी, वो वॉज प्रिपेयरिंग सफ़र, जो क्या पका रही थी, सफ़र पका रही थी। सफ़र का मतलब होता है रात का खाना, यानी वो रात का खाना पका रही होती है। उसको वो संबोधित करते हुए कहता है कि हमें कुछ ही देर में क्या मिलने वाली है, बारिश मिलने वाली है। रिप्लाइड, वो जवाब देती है, यस, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा हुई तो ऐसा जरूर होगा। द ओल्डर बॉयज, और जो बड़े लड़के थे, वर वर्किंग, जो काम कर रहे थे, कहाँ पर, इन द फील्ड, खेतों में। वाइल द स्मॉलर वंस, और जो छोटे थे, वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे, कहाँ पर खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास में। अनटिल, तब तक, द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उसको महिला ने नहीं बुला लिया, यानी जब उसको महिला पुकारती है ना कि खाना खाने के लिए आ जाओ, तब तक वो खेलते रहते हैं और बड़े बच्चे खेतों में काम करते रहते हैं। कम, आओ, फॉर डिनर, किसके लिए, खाने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, डेट वॉज जस्टिस, और ये खाने का समय था, है ना, खाने के समय के दौरान, डेट की, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी करी थी, प्रिडिक्ट करा था, क्या भविष्यवाणी करी थी, उसकी महिला को बोलता है ना कि कुछ ही देर में बारिश होने वाली है, तो खाने के दौरान ही क्या होता है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन्स, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे, बिगेन टू फॉल, वो गिरना प्रारंभ हो जाती है। इन द नॉर्थ ईस्ट, कहाँ से चालू होती है, नॉर्थ ईस्ट से, उत्तर पूर्व से। ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े पर्वत, ऑफ क्लाउड्स, किसके पर्वत, बादलों के, यानी बादलों के जो पर्वत थे, बड़े बड़े बादल उसको दिखाई दे रहे थे, कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में, और जो बारिश की जो बूंदे थी बड़ी बड़ी, वो गिरना चालू हो जाती है। कुड बी सीन, उसे देखा जा सकता है, अप्रोचिंग का मतलब होता है आते हुए या पहुँचते हुए, जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे थी, जो पर्वत के समान जो बादल थे, वो उसकी ओर आ रहे थे, उसकी ओर बढ़ रहे थे आगे। द एयर वॉज फ्रेश, और जो हवा थी वो बिल्कुल कैसी थी, ताजी, हवा भी कैसी आ रही थी, ताजी आ रही थी। एंड स्वीट, बहुत ही मधुर आ रही थी। द मेन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, अब व्यक्ति जो था ना, वेंट आउट, वो बाहर गया, फॉर नो अदर रीज़न, अन्य किसी कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लेजर, केवल किस लिए बाहर जाता है, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, केवल बरसात की जो फीलिंग होती है, बरसात की, बरसात को महसूस करके जो उसे खुशी मिल रही थी ना, उस खुशी को महसूस करने के लिए वो कहाँ जाता है, बाहर जाता है। लेंचो की इच्छा थी कि बारिश आए और उसकी जो फसल है वो अच्छी हो जाए, तो जब बारिश आती है तो उसको महसूस करने के लिए वो कहाँ जाता है, बाहर जाता है, और उसकी खुशी को क्या करता है, इंजॉय करता है। ऑन हिज बॉडी, कहाँ पर, अपनी बॉडी पर। एंड वेन ही रिटर्न, और जब वो लौटता है, ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड होता है जब हम अपनी खुशी जाहिर करते हैं ना, तो वो एक्सक्लेम चिल्लाते हुए बोलता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये क्या नहीं है, ये बारिश की बूंदे नहीं है।
फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो कहाँ से गिर रही है, आसमान से, यानी बारिश की बूंदे नहीं है, ये क्या है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या है, ये न्यू कॉइन्स है। ये प्रश्न बोर्ड के अंदर बहुत बार आता है, तो इसको जरूर ध्यान रखना कि जो बारिश की बूंदे हैं उसको न्यू कॉइन से कंपेयर क्यों करता है। तो आगे इसका आंसर भी देगा, देखो दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदे नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स, क्यों, क्योंकि द बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बड़ी बूंदे थी, आर 10 सेंट, उसकी तुलना करता है 10 सेंट से, डॉलर की सबसे छोटी इकाई जो होती है ना वो होती है 10 सेंट, तो 10 सेंट से कंपेयर कर रहा है बड़ी बूंदों को, और छोटी बूंदों को किससे कंपेयर कर रहा है, द लिटिल वंस, और जो छोटी बूंदे हैं आर 5, यानी वो 5 सेंट है, यानी बड़ी बूंदों की जो कंपेरिजन है वो तो कर रहा है 10 सेंट से, और छोटी बूंदों की कंपेरिजन कर रहा है 5 सेंट से, यानी इसको ये पैसे लग रही है। जब बारिश होगी, बड़ी बड़ी बूंदे उसके खेतों में गिरेगी, उसकी फसल अच्छी होगी, और उससे उसको क्या मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा। इसलिए इन बूंदों का जो कंपेरिजन है वो किससे कर रहा है, वो पैसों से, यानी सिल्वर के कॉइन से, और विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड का मतलब हो गया संतुष्टि का, जो संतुष्टि का जो भाव होता है, उस संतुष्टि के भाव से ही रिगार्डेड द फील्ड, वो किसको देखता है, खेतों को देखता है, किसके खेत, ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए मक्के के, विथ इट्स फ्लोअर, उसके फूलों के साथ, ड्रेप्ड, जो कि ढक गए थे, ड्रेप्ड का मतलब होता है ढकना, जो कि ढक गए थे, किससे ढक गए थे, ए कर्टेन ऑफ रेन, बारिश की चादर से, कर्टेन का मतलब हो गया चादर, यानी जो खेत थे उस पर पूरी तरफ क्या हो गया था, बारिश होने लगी थी, और वो बारिश से पूरी तरह से ढक चुके थे। बट सडनली, लेकिन अचानक ही, ए स्ट्रॉन्ग वाइंड, एक मजबूत हवा, बिगेन टू ब्लो, बहना चालू होती है, जो बारिश हो रही थी वो तुरंत ही क्या हो गई, हवा में परिवर्तित हो गई, जो बारिश के साथ में एक तेज हवा चलने लगी, और उस हवा से क्या होता है, इन अलोंग विथ, उसके साथ साथ, अलोंग विथ का मतलब के साथ साथ, अलोंग विथ, उसके साथ साथ, द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, हेल स्टोन का मतलब होता है ओले, यानी जो बारिश थी उसने रूप परिवर्तित कर लिया, वो चेंज हो गई, किसमें चेंज हो गई, पहले तो तेज हवा चलने लगी, और जैसे ही हवा चली तो बड़े बड़े ओले गिरने लगे, और वो जो ओले थे ना, वो वास्तव में अब किसकी तरह प्रतीत होने लगे थे, जिससे जिसकी तुलना इसने करी थी, किससे, कॉइन से, तो वो कॉइन की तरह लग रहे थे, और दीज ट्रूली, और ये वास्तव में, डिड रिसेम्बल, प्रतीत हो रहे थे किसकी तरह, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्कों की तरह। अब ये जो ओले गिर रहे थे वो वाइट कलर के होते, तो जब वो गिरने लगे तो इसको वास्तव में लगने लगा कि अब ये कैसे हैं, एक सिल्वर के कॉइन की तरह है। द बॉयज, जो लड़के थे, एक्सपोजिंग देम सेल्फ, वो अपने आप को लाते हैं, सामने लाते हैं, एक्सपोज करते हैं, टू द रेन, किसके सामने, बारिश के सामने, यानी बारिश में खेलना चालू करते हैं, रेन आउट टू कलेक्ट, और वो बाहर भाग कर आते हैं, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, क्या इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पर्ल्स, जो सिल्वर के जो सिक्के थे, सिक्के, पर्ल्स का मतलब हो गया यहाँ पर ओले, जो ओले गिर रहे थे, जो जमे हुए बर्फ के जो कण गिर रहे थे, उनको इकट्ठा करने के लिए बच्चे कहाँ पर आते हैं, खेतों में जाने लगते हैं, और बारिश का आनंद लेने लगते हैं। अब बच्चे तो उसका आनंद लेते हैं, लेकिन जो लेंचो था, जो सोच रहा था कि कुछ बारिश हो उसके खेतों में, अच्छी बारिश से क्या होगा, फसल पक जाएगी, और सब जो फसल होगी उससे उसको अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन अब उसे थोड़ा बुरा लगने लगा था। क्यों बुरा लगता है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब थोड़ा बुरा होने जा रहा था, क्यों, एक्सक्लेम द मेन, व्यक्ति बताता है, पूरी तरीके से एक्सक्लेम करता है, आई होप, मैंने आशा की थी, इट पासेस क्विकली, ये गुजर जाएगा जल्द ही, क्विकली का मतलब जल्द ही, यानी इसने सोचा था कि जो बारिश हो रही है या उसके साथ जो ओले गिर रहे हैं वो जल्दी से गुजर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी से नहीं जाते हैं, फॉर एन हावर, एक घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, जो ओले होते हैं वो गिरते रहते हैं, कहाँ पर गिरते हैं, उसके घर पर, द गार्डन, बगीचे पर, हिल साइड, पहाड़ी पर, द कॉर्न फील्ड, मक्के के खेत पर, ऑन द ऑल वैली, सारी की सारी संपूर्ण घाटी पर, जो पूरी घाटी थी उस पूरी घाटी के ऊपर ओलावृष्टि हो रही थी, ओले गिर रहे थे, उससे इसको क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, इसने सोचा था कि ओलावृष्टि कुछ ही समय में रुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। द फील्ड वॉज वाइट, जो खेत था वो कैसा हो गया था, सफ़ेद हो गया था, एज इफ, ऐसा मानो, एज इफ का मतलब होता है मानो, ऐसा मानो, कवर्ड विथ सॉल्ट, वो किससे ढक गया हो, नमक से, जो वाइट ओले गिर रहे थे उससे पूरा खेत एक चादरनुमा बन गया, चादर से एक ढक चुकी थी, जो कि किसकी तरह दिखाई दे रही थी, नमक की तरह। नॉट ए लीफ,
रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ के ऊपर एक पत्ती भी नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न थी, मक्के की जो फसल थी, वो पूरी तरीके से क्या हो गई, बर्बाद हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन, और जो फूल थे वो भी जा चुके थे। फ्रॉम द प्लांट्स, किससे, पौधों से, जो पौधों के ऊपर जो पीले पीले फूल आ रखे थे वो सारे फूल जा चुके थे। जो मक्के थे वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे। लेंचो सॉल, लेंचो की जो आत्मा थी, वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, वो किससे भर गई, दुख से भर गई। अब उसको बहुत ज़्यादा दुख होने लगा कि जो मक्के की फसल, जो ये प्रॉमिस कर रही थी, वादा कर रही थी कि अब हमारी फसल जो है वो बहुत अच्छी होगी, हमें अच्छी कमाई देगी, लेकिन वो जब फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है तो लेंचो किससे भर जाता है, दुख से भर जाता है। और वेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, और जब स्टॉर्म, जब तूफान गुजर जाता है, द ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीच में जाकर क्या जाता है, खड़ा हो जाता है। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहता है, क्या बोलता है, ए प्लेग ऑफ लॉक्टर्स, एक प्लेग, देखो प्लेग होती है एक बीमारी जो कि एक संक्रामक रोग है जो बहुत ही तेजी से फैलता है। तो यहाँ लॉक्टर्स, इस लॉक्टर्स होता है टिड्डी दल, जो टिड्डियों का समूह होता है ना, उस टिड्डी दल की तुलना किससे कर रहा है, प्लेग से, कि जो टिड्डी आते हैं ना उससे जब खेत के ऊपर आक्रमण होता है तो खेत में वो कुछ ना कुछ छोड़कर जरूर जाते हैं, लेकिन ये जो ओलावृष्टि हुई थी उससे उनके खेतों में कुछ भी नहीं बचा था। तो कंपैरिजन क्या कर रहा है कि एक प्लेग ऑफ लॉक्टर्स वुड वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि जो एक प्लेग होता है, जो टिड्डी दल होता है, वो भी कुछ ना कुछ तो छोड़ता ही है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ये जो ओलावृष्टि थी ना, ये जो ओला थे ना, इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई भी मक्का नहीं मिलेगा, इस साल जो हमारे को मक्का मिलने वाला था वो अब हमें नहीं मिलेगा। और डेट नाइट, इस रात, वॉज ए सोरोफुल वन, ये एक दुख भरी रात है, ये एक सबसे दुख भरी रात है, ऑल आवर वर्क, क्योंकि हमारा सारा कार्य फॉर नथिंग, वो कुछ भी नहीं रहा, जो भी हमने काम किया, जो भी हमने मेहनत करी मक्के की फसल के लिए, वो सब क्या हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। और देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, और यहाँ कोई नहीं है जो हमारी क्या कर सके, मदद कर सके। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर्स, हम सब इस साल क्या होने वाले हैं, भूखे मरने वाले हैं। यानी ये बताता है कि जो पूरा जो फर्स्ट चैप्टर था, इस मान लीजिए फर्स्ट पार्ट हो गया स्टेशन का, इसमें क्या होता है कि जैसे कि लेंचो है, वो खेतों को देखता है तो उसको बहुत खुशी होती है अपने खेतों को देखकर, उसे ऐसा लगता है कि इस साल जो मक्के की फसल है वो एक बारिश के बाद में हमें बहुत अच्छी कमाई देने वाली है, उससे हम पूरे साल मक्का भी प्राप्त कर सकेंगे और पैसे भी प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन उसकी जो उम्मीद होती है वो पूरी तरीके से टूट जाती है तब जब ओलावृष्टि होती है, और ओलावृष्टि के कारण उसका पूरा खेत बर्बाद हो जाता है। तो वो दुख के कारण अपने बेटों से क्या बोलता है कि हमारा जो पूरा काम है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, और हमने जो कुछ भी किया वो अब कुछ भी नहीं है, और हम इस साल क्या होंगे, भूखे मरेंगे। ये कब बोलता है, दुख से बोलता है, ठीक है ना। अब दुख के कारण, यहाँ तक के देखिए, अब ओरल कंपेरिजन चेक जो क्वेश्चन है, जैसे कि वॉट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को किस चीज़ की उम्मीद थी, पूरे लेसन के अंदर लेंचो किस चीज़ की उम्मीद करता है, लेंचो उम्मीद करता है रेन की। लेंचो किसकी उम्मीद करता था, रेन की, कि बारिश होगी, जब बारिश होगी तो उसके खेत पूरी तरीके से खिल जाएंगे और खेतों से उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। देखो, वाई डिड लेंचो से, लेंचो ने ऐसा क्यों कहा, द रेन ड्रॉप वर लाइक न्यू कॉइंस, के जो रेन ड्रॉप्स है वो नए सिक्कों की जैसे हैं। नए सिक्कों के कंपैरिजन कब करता है, जब ओलावृष्टि चालू होती है तो क्या वो, जो सॉरी, जो बारिश चालू होती है तो वो बोलता है कि जो बारिश के जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं, बिग ड्रॉप्स हैं, वो क्या है, कॉइन्स है। और उनके कंपैरिजन भी कैसे करता है कि बिग कॉइन जो है, बिग ड्रॉप्स जो है वो तो 10 सेंट है और जो छोटे हैं वो 5 सेंट है, तो उनका कंपैरिजन करता है पैसों से। इसलिए करता है कि जब वो अपनी फसल को बेचेगा तो उसको क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, इसलिए उनका कंपैरिजन करता है नए नए कॉइन से। हाउ डिड द रेन चेंज, रेन कैसे परिवर्तित होती है, तो जब बारिश हो रही होती है उसी समय क्या चालू हो जाती है, हवा चालू हो जाती है, तेज़ी से हवा बहने लगती है और उसी के साथ में ओलावृष्टि चालू हो जाती है, तो बरसात जो है वो परिवर्तित हो जाती है। और वॉट हैपन टू लेंचोस फील्ड, लेंचो के खेतों में क्या होता है, तो लेंचो के खेतों में जो मक्के की फसल थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है, उनकी जो मेहनत थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। वॉट वर लेंचोस फीलिंग वेन द हेल स्टॉप, जब ओलावृष्टि रुक जाती है, लेंचो की फीलिंग किस प्रकार की थी, तो लेंचो की फीलिंग क्या थी कि देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर्स, के हम सब इस साल भूखे मरेंगे, ये उसकी फीलिंग थी। अब लेसन में क्या होता है कि आगे की तरफ जब आप लेसन बढ़ेगा
तो उसके अंदर एक उम्मीद की किरण जागेगी। जब कोई किसी की मदद नहीं करने वाला